नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको एक और आसान सी व्रत में बनने वाली रेसिपी बनाना बताऊंगी जिसको कि आप पूरे नौ दिन में फटाफट से बना के खा पाएंगे और खाने में स्वादिष्ट होती है और इसमें मैंने कुछ स्पेशल चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिससे इसका जो स्वाद है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो चलिए फटाफट से हम व्रत के लिए स्पेशल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर ये आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं और आलूओं को हम छील लेते हैं आलू को छीलने के बाद एक कढ़ाई में डालेंगे हम चार चम्मच शुद्ध देसी घी और घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे तो मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो जो खाने वाला तेल होता है नॉर्मल आप घर में खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पर घी से इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है तो मैं देसी घी डाल रही हूँ घी यहाँ पर गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे हम एक चम्मच जीरा पाँच से छः कटी हुई हरी मिर्च आधा कप मूंगफली दाना और चलाते हुए इनको हम भून लेंगे हरी मिर्च जो होती है भूनते समय ही चटकती है तो थोड़ा सा आप सावधानी से काम करें नहीं तो आपका हाथ भी जल सकता है और मूंगफली को हमें लगभग 20 से 25 सेकंड इसी तरीके से हाई फ्लेम पे भूनना है मूंगफली भूनने की पहचान होती है कि ये बीस से फट जाती है और इसका जो छिलका है वो ऊपर से निकलने लगता है और हल्का सा मूंगफली का कलर भी चेंज हो जाता है तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मूंगफली हमारी भून चुकी है और ये फट भी गई है इसका कलर भी चेंज हो गया है तो इसमें डाल देंगे हम उबले हुए आलू आलूओं को हम हाथों की मदद से फोड़ के इस तरीके से डालेंगे और अब डालेंगे इसमें एक चम्मच व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं मिला देंगे सारी चीजों को अच्छे से सबको मिलाने के बाद फ्लेम को हम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे आलूओं को हम लगभग दो से तीन मिनट इसी तरीके से भूनेंगे आलूओं को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भूनना है तो इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि दि इनका जो कलर है हल्का सा सुनहरा ना हो जाए और अगर इनको हम ज़्यादा अच्छे से नहीं भूनेंगे तो आलूओं का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा और आलू जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा आलू यहाँ पर हमारे भुन चुके हैं तो इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब हम आलूओं में लाएंगे ट्विस्ट तो डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस इससे जो इनका स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो नींबू के रस को हम इसमें निचोड़ देंगे और मिला देंगे अच्छे से मिलने के बाद गैस को कर देंगे हम बंद और चलिए अब हम आलूओं को कर लेते हैं सर्व तो आलूओं को करेंगे हम गरम-गरम सर्व दोस्तों इन आलूओं को आप ऐसे ही खाइए खाने में बहुत बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगते हैं आलूओं को करेंगे थोड़े से कटे हुए धनिया से गार्निश तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारे व्रत के लिए आलू हो गए हैं तैयार तो एक बार आप इस तरीके से इन आलूओं को ज़रूर बनाएं और अपने परिवार में सबको ज़रूर खिलाएं एक कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी लगी इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए मिलेंगे आपके साथ अगली नई रेसिपी में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए नमस्ते